दोस्तों, आज के समय अपने वीर्य के पतलेपन से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो ये वीडियो आज मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कि रेगुलर ऐसी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिसमें आपने स्पर्म काउंट भी बढ़ता रहे, वीर्य भी गाढ़ा होता बना रहे, ना पतला हो, रेगुलर वो सेक्स करते रहें चाहे कुछ भी करें, वीर्य गाढ़ा बना रहेगा। ऐसी 7 चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको मार्केट में मिल जाएगी और घर पर भी आपको लगभग ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मैं ये आपसे चाहूँगा, जो मैं परहेज बताऊँगा आपको साथ में पहले, वो आपको ज़रूर अपनाने होंगे। अगर आप परहेज नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। बिना परहेज के कोई दवाई काम नहीं करती, कोई भी घरेलू नुस्खा काम नहीं करता, इसलिए परहेज सबसे उत्तम जरूरी है। मैं हूँ आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकुल शर्मा और इस चैनल पर आपको हर प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम, जो कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसका आपको यहाँ इलाज मिलेगा, घरेलू परमानेंट सब मिलेगा। अगर परमानेंट इलाज चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपकी हर समस्या का मैं आपको वीडियो बनाऊँगा स्पेशल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीर्य गाढ़ा कैसे रहेगा, ऐसी 7 चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा परहेज क्या है। दोस्तों, परहेज इतने कोई खतरनाक नहीं होते जिसे इंसान नहीं कर सकता है। मुख्य परहेज क्या होते हैं, जैसे कि आपको कोई नशा नहीं करना, यानी दारू, सिगरेट, गुटखा, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना। दूसरा परहेज क्या होता है, ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाला, ज़्यादा तली फली चीज़ें, बाहर मार्केट के फास्ट फूड, इनको सभी को आपको बंद करके रखना पड़ेगा, बिल्कुल ही बंद कर दो लाइफ में। हैं, नॉर्मल खाना खाओ, फल फ्रूट खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन अब होश के जितना केमिकल युक्त आप मार्केट में अपने को मिलता है ना आहार, और खासकर सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें आपको नपुंसक बना देंगे। इस चीज़ को आपका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ऐसी 7 चीज़ें जो आपको वीर्य हमेशा गाढ़ा बनाए रखेंगी। सबसे पहली चीज़ होती है, अगर आप रेगुलर सेक्स करते हैं, रेगुलर आप हैंड प्रैक्टिस भी कर रहे हैं या वीर्य क्षरण कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है अगर वीर्य गाढ़ा बनाए रखना है, रेगुलर केला खाओ। जैसे आपने अभी सेक्स किया तो अभी केला खा सकते हैं, या जैसे भी आपको करना हो तो ठीक है। तो दोस्तों, अगली चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ, केला तो आप रेगुलर खा सकते हो अगर आप रेगुलर ही स्पर्म का वेस्ट कर रहे हो, स्पर्म निकाल रहे हो। फिर आगे दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपनी फूल मखाना। फूल मखाना आपको रोज़ाना 50-60 ग्राम फूल मखाना दिन में खाली पेट अगर आप रेगुलर खाने लग जाते हो तो आपको कभी भी वीर्य के पतलेपन से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। तीसरी सबसे खतरनाक चीज़ आज के समय, अब मार्केट से भी खरीद सकते हैं आप अश्वगंधा पाउडर, आपने सुना होगा, लेकिन आपको पाउडर नहीं लेना है, आपको अवले लेना है। अवले क्या काम करता है, जितना अच्छा पाउडर नहीं करता, क्योंकि आज के समय पाउडर में बहुत सारा मिक्सिंग आ रहा है, सही ओरिजिनलिटी मिलती नहीं है, तो इसलिए पाउडर आप लेना मत अश्वगंधा के नाम पर। अवले लीजिए, आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाइए, खाना खाने से पहले, बाद में कोई दिक्कत नहीं, दूध के साथ ले सकते हो। चौथी सबसे खतरनाक आप घर पर मिल जाती है छुआरे। छुआरे यानी खजूर। खजूर एक ऐसी चीज़ है कि आपके वीर्य को गाढ़ा बनाए रखने में उत्तम चीज़ है। आप रोजाना रात को 2 से 3 छुआरे भिगोइए और सुबह खाली पेट आप खा सकते हो दूध के साथ। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है वीर्य गाढ़ा करने में, स्पर्म काउंट बढ़ाने में छुआरों का। फिर आगे बात करते हैं आप हल्दी वाला दूध। दोस्तों, हल्दी वाला दूध भी स्पर्म काउंट बहुत अच्छा बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हल्दी के दूध में आप रोज़ाना आधा चम्मच गाय का घी मिलाइए और रोज़ पीजिए, आपके आप सोचो कि मोटे हो जाएंगे, नहीं होगा। कभी कोई बंदा गाय का घी खा के मोटा नहीं हो सकता, समझे। घी का भी फैट नहीं बढ़ाता, तेल बढ़ाता है आपके शरीर में, फास्ट फूड जैसी चीज़ें बढ़ाती हैं। अगर ओरिजिनल घी होगा वो कभी आपके शरीर में मोटापा नहीं लाएगा, ये चीज़ याद रखिए। तो गाय का घी अगर आप लेते हैं सुबह शाम या एक टाइम भी दिन में आधा चम्मच हल्दी के दूध में, तो आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। हल्दी ऐसे नहीं कि आपने आधा चम्मच हल्दी मिला दी, नहीं, 1 ग्राम, हाईएस्ट 1 ग्राम दूध में हल्दी मिलानी है आपको, ओके। फिर आप अगर उसमें केसर भी 1-2 दाने मिला सकते हो तो बात ही क्या है, आपकी मर्जी हो। फिर आगे चीज़ चलते हैं, अगर आप घर से चीज़ों से यूज कर करके, वैसे तो एक उड़द की दाल भी आती है, उड़द की दाल आपने सुना होगा, 6 नंबर पे हम उड़द की दाल भी लगा सकते हैं, क्योंकि उड़द की दाल सबसे उत्तम होती है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में या वीर्य प्रॉब्लम्स में। अगर किसी के वीर्य में पतलापन, कमी ऐसा कुछ है तो बहुत फ़ायदेमंद होगी उड़द की दाल, ठीक है। तो उड़द की दाल आपके लिए सबसे उत्तम है, इसलिए अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उड़द की दाल सबसे उत्तम होगी। उड़द की दाल आप ले सकते हैं, कैसे वो दाल बना कर ले सकते हैं। फिर आती है 7वीं चीज़, उसमें आप ले सकते हो क्या, धातु पौष्टिक चूर्ण। आधा आधा चम्मच धातु पौष्टिक चूर्ण अगर आप रेगुलर लेते हो मार्केट से खरीद के सुबह शाम, तो भी आपके स्पर्म काउंट में कभी कमी नहीं आएगी। और उसमें अगर आप साथ में धातु पौष्टिक चूर्ण के, अगर आप साथ में
दूध से ले तो बहुत बढ़िया है, अगर पानी से ना ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसी औषधियाँ होती हैं ना जो कि दूध से ज़्यादा काम करती हैं। और इसमें एक ताल मिश्री आती है जिसमें धागा होता है, उसको रोक मिश्री भी कहते हैं, रोक शुगर, तो वो भी आप डालकर बराबर मात्रा में लोगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है वीर्य गाढ़ा करने में। ये एकदम ऐसी चीज़ें बताई ना मैंने आपको वीर्य गाढ़ा करने के लिए, जो आसान सबसे सरल नुस्खे हैं जो आप आसानी से अपने वीर्य को गाढ़ा कर सकते हो बिना कोई साइड इफेक्ट के, घरेलू नुस्खे से। इसलिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हो आप अपने दोस्तों तक, घर पर ही वीर्य गाढ़ा कर सकते हैं सभी, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं।